मुनव्वर फारूकी ने बोला कि अरुण की वजह से ये नॉमिनेशन में फंसे हैं। अगर अरुण इम्यूनिटी यूज नहीं करता तो ये लोग जो है बच सकते थे और अरुण जो है वो नॉमिनेट हो सकता था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले हफ्ते जो है इम्यूनिटी टास्क हुआ, जहां पर मुनव्वर फारूकी ने और समर्थ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और जिसके कारण जो है इम्यूनिटी अरुण को मिली। अरुण ने बोला कि भाई मैं उस हफ्ते यूज़ नहीं करना चाहता, मैं आने वाले हफ्ते में यूज़ करूँगा, जो कि अरुण ने सही डिसीज़न लिया और अरुण ने जो है इस हफ्ते वो इम्यूनिटी यूज़ कर ली। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि चार लोग जो है लाइफ फीड के हिसाब से जो मैंने अंदाज़ा लगाया, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि चार लोग जो है नॉमिनेट हो चुके हैं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए। इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा टक्कर है इन प्लेयर्स में, इन कंटेस्टेंट में। यही ये बात मुनव्वर फारूकी कह रहे हैं कि भाई अगर वो इम्यूनिटी यूज़ नहीं करता तो ये बच सकते थे और उसको नॉमिनेशन में डाल सकते थे, क्योंकि इन लोगों से वीक जो है वो अरुण है। अरुण जो है जा सकता है, बट जिस अभी जो नॉमिनेशन में आए हैं वो बहुत पक्के खिलाड़ी हैं, तो अगर इस बार एलिमिनेशन होती है तो कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर ज़रूर जाएगा। आपका क्या कहना है आप बताइए इसके ऊपर, क्या मुनव्वर फारूकी की बातों से आप सहमत हैं? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।